चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। तीन चार चीजें। एक तो कैलकुलेशंस प्लीज डबल चेक कर लेना, बिकॉज क्या होता है पता है क्या, फॉरेक्स है, पोर्टफोलियो है, ये सब में बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो एक जीरो कभी कभी मिस हो जाए, वो हो सकती है गलती एंग्जाइटी में, फास्ट लिखने में। तो प्लीज उसको एक बार डबल चेक कर लेना, कैलकुलेशन भी डबल चेक कर लेना, सो दैट कोई सिली मिस्टेक की वजह से अपने अननेसरी मार्क्स ना कट जाए, जबकि अपने को पूरा आंसर आता हो। दूसरा, वर्किंग नोट्स प्रॉपरली लिख कर आना, ठीक है ना। डोंट रश टू द आंसर्स। जो भी स्टेप्स आप कर रहे हो वो स्टेप्स दिखाओ, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग होता है मेन एग्जाम में। तो इन केस कभी अगर मेरा आंसर रॉन्ग भी है तो भी मेरे को स्टेप वाइज का मार्क्स मिलेगा। सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड एंड एक-एक स्टेप्स दिखाते जाओ एग्जामिनर को। थियोरी क्वेश्चन अगर आता है तो यूजुअली आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, मेन क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन वन में लास्ट क्वेश्चन होगा वो थियोरी का क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन थियोरी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन। अब यूजुअली अपनी आदत होती है कि अपन लोग सोचते हैं कि लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे अपन, और वो फिर लास्ट में रह जाता है, तो ऐसा मत होने दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हो उसके साथ साथ ही थियोरी लिख दो, चाहिए तो बाद में थियोरी लिखा है उसके बाद जगह छूटने ही वाला है तुम लोगों का थोड़ा बहुत, फिर वापस से चाहिए तो आ जाना, बट एक बार के लिए तो लिख लो, जितना भी याद रहेगा मेन पॉइंट जो भी है उतना एक बार फिलअप कर दो, फिर वापस इफ यू वॉन्ट टू रिविजिट वी कैन डू। पूरा मत छोड़ देना ये सोच के कि लास्ट में आऊंगा, लास्ट में टाइम नहीं बचता है, एंड देन फिर बाद में अफरा तफरी में वो चीज छूट जाएगी, तो ऐसा ना होने दो। प्लीज प्रैक्टिकल के साथ थियोरी जितना आता है जो आता है एक बार के लिए लिख लेना, फिर उसको और इंप्रूव करना है उसके लिए लास्ट मिनट का टाइमिंग रख सकते हो आप। अटेम्प्ट सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एज इट इज मॉड्यूल के ही पिकअप क्वेश्चंस होंगे, पहले उनको अटेम्प्ट कर लो, सिक्योर कर लो अपने आप को, और फिर बाद में लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस हिसाब से आप फिर आंसर्स देते जाना। एंड प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आने का प्रॉबिलिटी बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। डू वेल, आई एम श्योर अच्छा मेहनत किया है। एंड प्लीज अभी लास्ट में 1-2 घंटा है, वो जो मैंने वीडियो बनाया है थ्योरी का वो सुन लेना, सो दैट थ्योरी भी अपन अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें, बिकॉज अदरवाइज एसएफ में वो चीज इग्नोर हो जाती है। बाकी आई एम श्योर यू विल डू द बेस्ट। फॉर्मूला सर याद नहीं रहे तो लॉजिकली लिख कर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर फॉर्मूलाज भी याद है लॉजिक भी याद है तो उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व कर दो। कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन जो देखा नहीं है, एंड ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज कीप योर लॉजिक्स एंड कॉमन सेंस, उससे चीजों को सॉर्ट आउट करते जाओ, यू विल बी एबल टू डू इट। Done. Do well. Take care. I'll pray for each one of you. Thank you so much.